हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो की साइज को कैसे छोटा करके ऑनलाइन फॉर्म वगैरह में अपलोड किया जाता है। ये बिल्कुल ईजी है। इसके अगर आपके घर में कंप्यूटर है और आप दूसरे के पास जाते हैं कि भाई मेरा फ़ोटो का साइज़ छोटा कर दो 10 KB 20 KB में, तो आप इसे खुद ही घर बैठ के कर सकते हैं। ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल ही इजी है। सिर्फ 2-3 स्टेप में ही आप फ़ोटो के साइज को छोटा कर सकते हैं और अपने ऑनलाइन फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फोटोशॉप सॉफ्टवेयर चाहिए, उसमें ये वर्क होता है। तो चलिए आइए, मैं आपको ये ट्रिक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप फोटोशॉप को ओपन कर लें। इसको आप पहले ओपन कर लें। जब ये ओपन हो जाए तो जो आपकी फ़ोटो है उसको इसमें ड्रैग कर लें, या ओपन भी कर सकते हैं। फाइल में जाके, फाइल में जाइए, ओपन किए, यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो चूज कर सकते हैं जो आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म में फिलअप करना हो। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक फ़ोटो है, मैं अपनी फ़ोटो को ले लेता हूँ, फोटोशॉप में से मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्रॉप बटन पे क्लिक करूँगा, ये मेरा क्रॉप है। या इस बटन को आप सीधे कीबोर्ड से सी प्रेस करके एक्टिव कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ मेरा मूव टूल है, मैं इसे सी प्रेस करूँगा, ये क्रॉप का टूल आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ ऊपर साइड में आप देख रहे हैं विड्थ और हाइट और रेजोल्यूशंस दिया हुआ है, तीन चीज़। विड्थ में आप दे देंगे 1.2 इंचीस, एंड हाइट में आप दे देंगे 1.6 इंचीस, रिलेशन में आप डाल देंगे 300। उसके बाद इंटर कर देंगे। उसके बाद फ़ोटो को क्रॉप कर लेंगे। आप साइज खुद देख सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर लें और इंटर कर दें। उसके बाद आप फ़ोटो को सेव कर लें। ठीक है, सेव करने के बाद आप देख सकते हैं ये मेरा फ़ोटो है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने साइज बनाया 100 KB। तो ये बहुत से ऑनलाइन फॉर्म में जो है 100 KB अपलोड नहीं होता है, उनका रिक्वायरमेंट होता है कि 20 के अंदर ही फ़ोटो अपलोड करना है। तो उसके लिए आपको जाना होगा फोटोशॉप में फिर से, उसके बाद फाइल में जाइए, यहाँ पे लिखा रहता है सेव फ्रॉम वेब, सेव फॉर वेब। इसका शॉर्टकट किया है Alt+Shift+Ctrl+S। आप शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट फाइल में जाके इसमें क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो इसमें क्लिक करते हैं,
उसके बाद यहाँ नीचे साइड देखिएगा, यहाँ साइज लिख दिख रहा है मेरा 84.46K मतलब के बी। तो इसको मैं कम करता हूँ यहाँ से आके इस साइड में, आप देखिएगा फोटो का साइज दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको JPG कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइज आप देख सकते हैं आ गया है 21.7K, मतलब अभी भी 20 KB के ऊपर है। तो इसके लिए मैं यहाँ जाऊँगा जो हाई किया हुआ है इसको मैं मीडियम कर दूंगा। अब आ गया मेरा 10.33 KB। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। लोकेशन पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, इसका मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी, इसे मैंने डी ड्राइव में सेव कर दिया। ओके, अब मैं डी ड्राइव में जाके देखता हूँ कि उन्होंने कितना साइज बनाया टेस्ट। ये देख सकते हैं आप 11 KB बनाए। अब इसे आप आसानी से अपने ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि फ़ोटो आपका ज़्यादा फटता नहीं है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जैसे साइज छोटा किया, रेजोल्यूशन कम कर दिए तो फ़ोटो फटने लगता है। तो इस ट्रिक से आप फ़ोटो भी आपका साफ रहेगा और साइज भी छोटा हो जाएगा, आप जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं। तो अभी अगर कंप्यूटर है आपके घर में तो ये कर सकते हैं, दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें भी ये पता चले और अपने घर में आराम से बैठ के ये वर्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।